हेलो दोस्तों, ब्लॉग्स गुरु पे आपको स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक जन्माष्टमी का स्क्रिप्ट देने वाला हूँ, जिसको आप ब्लॉगर पे यूज़ करके अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो, वो भी एक अमेजोन एफिलिएट के जरिए। देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही आप स्क्रिप्ट को लोड करेंगे यानी खुलेंगे, तो आपका नाम मांगेगा। तो नाम मांगने के बाद, नाम देने के बाद ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा और देख सकते हो दोस्तों, छोटा सा एक स्क्रिप्ट है, ये ऑटोमेटिकली म्यूजिक प्ले हो रहा है। आप देख सकते हो, मैं कॉपीराइट के कारण इसको पूरा नहीं सुना पा रहा हूँ आपको। तो आप इसको ब्लॉगर पे आसानी से यूज़ कर सकते हो। इस पे मैं दो बटन लगाया है, शेयर फेसबुक का और व्हाट्सएप का, दो जगह आप इसको लगा के वायरल कर सकते हो। तो कैसे इसको एडिट करते हैं, सारे कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक ब्लॉग को क्रिएट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है और जन्माष्टमी की नाम आप दे सकते हो, और उसके रिलेटेड कोई भी डोमेन अवेलेबल हो तो वो आपको मिल जाएगा, नहीं है तो आप दूसरा नाम दे सकते हो, ऐसे आपके ऊपर है। उसके बाद आपको इथेरियम थीम को चूज करना है और क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करना है, और आपका ब्लॉग तैयार हो जाएगा। तो ब्लॉग जैसे ही खुलेंगे, आपके सामने ऐसे थीम का सेक्शन मिलेगा। तो आपको जस्ट यहाँ पे नीचे आना होगा। एकदम नीचे आने के बाद रिवर्ट टू क्लासिक थीम यहाँ पे क्लिक करना होगा, और उसके नीचे है रिवर्ट टू क्लासिक थीम, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर जो भी आपको पहले से कोड मिलेगा, उसको सारे को मिटाना है यानी डिलीट करना है। तो डिलीट करने के बाद मैं आपको एक स्क्रिप्ट दूंगा, देख सकते हो यहाँ पे कृष्णा जन्माष्टमी की स्क्रिप्ट है। इसको आपको नोट प्लस प्लस पे ओपन करना है, किसी भी आप एचटीएमएल एडिटर को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इस पे आपको कंट्रोल एफ एक साथ दबाना है। इस पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपको लिखना है yoursite.com। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देख सकते हो, या जहाँ जहाँ पे आपको yoursite.com मिलेगा, इस सारे को आपको रिमूव करना है, और रिमूव करके आपका ब्लॉग का जो भी डोमेन होगा उसको इस पे बैठाना है। उसके लिए आपको रिप्लेस में जस्ट जाना होगा। यहाँ पे देख सकते हो रिप्लेस का बटन है, ये जो रिप्लेस पे क्लिक करना होगा, और रिप्लेस विथ पे आपका करेंटली जो ब्लॉग आपने क्रिएट करे हो उसका लिंक देना होगा। तो उसका लिंक देने के लिए आपको सीधे ब्लॉग पे जाना होगा, और ऊपर में आप देख सकते हो व्यू ब्लॉग, इस पे आपको कॉपी लिंक एड्रेस पे लिंक को कॉपी करना है अपने ब्लॉग का जो भी डोमेन है, और रिप्लेस विथ पे आपको उसको कंट्रोल वी दबा के पेस्ट करना है, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। बस हो गया है, ये सारे कुछ इस पे आप कर सकते हो। और एक काम जिस पे आपको अर्निंग होगा, उसके लिए आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको टाइप देखना है यहाँ पे अमेजोन एफिलिएट्स, इसको आप कंट्रोल एफ दबा के फाइंड कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। कंट्रोल एफ एक साथ दबाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देख सकते हो, दो इस पे अमेजोन एफिलिएट का लिखा है, इसके अंदर जो लिखा है इस पे आपको अमेजोन एड का बैनर लगाना है। तो इसके लिए आपको अमेजोन एफिलिएट पे जाना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। आप गूगल में लिखेंगे अमेजोन एफिलिएट, पहले से आप अमेजोन एफिलिएट का आपका अकाउंट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, और नहीं है तो उसको बनाना बहुत ही ईजी है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेगा, तो उससे आप अमेजोन एफिलिएट बनाना जान जाएंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद पहले जो लिंक आएगा वही amazon.in का एफिलिएट लिंक है। और दोस्तों, तब तक ये खुल रहा है, तब तक मैं दिखा देता हूँ स्क्रिप्ट कैसा दिखता है। तो आप जैसे ही खुलेंगे देख सकते हो, जन्माष्टमी सेल्स इज लाइव अप टू 80% ऑफ, ये क्लिकेबल बटन है, यानी आपकी यूज़र इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली अमेजोन की पेज में आ जाएगा, और आपके फ़ोन ये जो स्क्रिप्ट फ़ोन पे खुला जाएगा। इसका मतलब है, फ़ोन में जब अमेजोन
ऐप रहेगा और ऐप पे ही डिडायरेक्ट हो जाएगा और आपका एफिलिएट लिंक दिखेगा। तो इस पे जो भी प्रोडक्ट आपके सामने दिखाएगा वो सारे जन्माष्टमी की रिलेटेड है, यानी श्री कृष्ण की रिलेटेड है। वो आसानी से परचेस कर लेगा और सारे कमीशन आपको मिलेगा। तो इस पे आपको क्या करना है, अमेजोन एफिलिएट अकाउंट को लॉगिन करना है। तो इस पे प्रोडक्ट लिंकिंग के ऊपर माउस कर्सर को लेना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है लिंक टू एनी पेज। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपको लिंक टू सर्च पेजेस पे क्लिक करना है। लिंक टू सर्च पेजेस, उसके अंडर में ऑल प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको लिखना है कृष्णा, और यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखना है कृष्णा, यानी कृष्ण भगवान कृष्णा की सारे जो भी आइटम मिलेगा अमेजोन पे वो सारे कुछ इस कीवर्ड से दिखाई देगा। तो गेट एचटीएमएल पे क्लिक करना है और ये जो कोड आपको साइड में मिलेगा इसको आपको नोट पैड पे ओपन करना है। नोट पैड पे ओपन करना है, उसके बाद आपको किन को लेना है, ये आगे जो कोटेशन मिलेगा ये आप देख लीजिए, ये जो कोटेशन मिलेगा इसको आपको मिटाना है। एक कोटेशन को आपको मिटाना है और यहाँ पे देख सकते हो कीवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। ये जो कीवर्ड के अंदर में जो भी आएगा ये कीवर्ड तक, यानी कीवर्ड्स कृष्णा, इसके अंदर इसको सारे को मिटाना है। बस आपका ये लिंक तैयार हो जाएगा। इस लिंक को आपको वहाँ पे पेस्ट करना है, इसको आपको लेके यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है इस कोटेशन के अंदर। फिर से देख लीजिए ये जो कोटेशन है इसके यहाँ तक आपको उसको Ctrl V दबा के पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद ये तैयार हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप इसको Ctrl A दबा के ऑल सिलेक्ट करना है और Ctrl C दबा के इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपके ब्लॉगर पे यहाँ पे आपको जो भी HTML एडिट HTML का सेक्शन मिलेगा ये सारे को पहले डिलीट करना है और Ctrl V दबा के पेस्ट करना है और सेव थीम पे क्लिक करना है। सेव थीम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देख सकते हो कृष्णा स्क्रिप्ट आ जाएगा। इस पे आपका नाम मांगेगा और नाम देने के बाद आपको ओके पे दबाना होगा। तो देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, 3D कृष्णा है। यहाँ पे ऊपर में आपका नाम दिखाएगा और हैप्पी जन्माष्टमी लिखा दिखा रहा है और कितने दिन बाकी है वो इस पे दिखा रहा है। तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। और ये जो मैं लिंक आपके सामने ढूंढ रहा हो, ये जो लिंक मैंने आपके सामने ढूंढा हो, इस लिंक में कहीं पे भी गड़बड़ मिलेगा तो काम नहीं करेगा। तो फिर से वीडियो को ज़रूर देखें, एक बार नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को ज़रूर देखें और आप ज़रूर समझ पाएंगे। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट पे ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड गुड बाय।